हेलो एवरीवन, मैं हूं थर्ड ऑफिसर शुएब अली एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विद अली पे। तो चलो इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि IMU CET एंड स्पॉन्सरशिप के लिए कोचिंग जरूरी है या नहीं। तो सबसे पहले बता दें, किसी भी चीज के प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट होता है सेल्फ प्रिपरेशन एंड सेल्फ स्टडी। मतलब सेल्फ प्रिपरेशन में आपको पता होता है, आप खुद से मेहनत करते हैं तो हर चीज प्रिसाइजली अच्छे से होते रहता है। बट मर्चेंट नेवी के बारे में एक चीज बता दे, मर्चेंट नेवी को घोस्ट फील्ड कहा जाता है। घोस्ट फील्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं होता है। जो इस फील्ड में होते हैं सिर्फ उनको ही पता होता है, और जो होते हैं उनको भी पूरा एग्जैक्ट अच्छे से नहीं पता होता है। मतलब लिमिटेड चीजें ही पता होता। सो घोस्ट फील्ड है। अब जो सेल्फ प्रिपरेशन का सोच के चल रहे हैं कि हाँ सब कुछ खुद से ही प्रिपेयर करेंगे, सो उनके लिए सबसे बड़ा दिक्कत कहाँ आ जाता है? इन्फॉर्मेशन। मतलब क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पूछा जाएगा, उनको तो कुछ पता ही नहीं रहता है। जैसे सपोज एंग्लो वेस्टर्न के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, चलो टेस्ट क्लियर हो गया, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। अब मान लेते हैं दो तरह के स्टूडेंट जा रहे हैं एंग्लो वेस्टर्न के इंटरव्यू के लिए। एक जो है वो एकदम ब्रिलियंट है, मतलब मान लो कि उसके पास पूरा नॉलेज भरा पड़ा है, एकदम पूरा PCM का टेक्निकल नॉन टेक्निकल उसका बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है। बट उसको ये नहीं पता है कि एंग्लो वेस्टर्न में क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं और क्या पैटर्न होता है। दूसरा कैंडिडेट है जो एवरेज स्टूडेंट है, बट उसको पता है कि क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या प्रोसीजर होता है इंटरव्यू का स्टेप बाय स्टेप। सो खुद बताओ कि उन दोनों में से सिलेक्शन का चांस किसका ज्यादा होगा? क्योंकि एंग्लो वेस्टर्न में एक चीज है, एक गलती खेल खत्म। मतलब एक क्वेश्चन का आंसर तुम गलत देते हो, या तो तुम रिशेड्यूल हो गए या फिर रिजेक्ट हो गए। तो चाहे कोई कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितना भी पढ़ने में तेज क्यों ना हो, अगर उसको नहीं पता है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो 100% प्रिपेयर होकर जाएगा, वो कहीं ना कहीं गलती कर जाएगा। हमारे पास बहुत ऐसे बच्चे हम लोग देख चुके हैं जो कि 95% PCM है, 93% PCM है, IMU CET रैंक भी अच्छा है, बट वो इंटरव्यू में जाके गलती कर जाते हैं। उसका रीजन यही होता है कि उनको पता ही नहीं होता है कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। यही ये सिर्फ एंग्लो वेस्टर्न का नहीं है, सारे कंपनीज का है। हर कंपनीज का अपना अलग अलग पैटर्न होता है। अब जैसे ग्रेट ईस्टर्न का, ग्रेट ईस्टर्न में जब इंटरव्यू होता है तो दो तीन पैनल इंटरव्यू होता है, दो तीन पैनल होते हैं। अब उस इंटरव्यू में आप जा रहे हो, अब सारे जगह इंटरव्यू लेने वाले अलग अलग कैप्टन हैं, सबका अलग अलग माइंडसेट है। अगर आपको पता है कि कौन सा, जैसे हम ग्रेट ईस्टर्न से, मतलब ग्रेट ईस्टर्न से मेरा कैडेटशिप हुआ है, मेरा इंस्टीट्यूट भी ग्रेट ईस्टर्न था, सो हमको बेटर पता है कि हाँ जब जो भी कैप्टन्स हैं उनको कैसे बच्चे कैसे कैंडिडेट पसंद आते हैं। और यही रीजन है कि हमारा IMU मेट का ग्रेट ईस्टर्न का सिलेक्शन रेट बहुत अच्छा है, क्योंकि हम पहले से ही उनको बता के भेजते हैं कि अच्छा ये कैप्टन होंगे तो उनका ये मतलब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, और इस तरह के क्वेश्चन के लिए वो इस तरह का आंसर एक्सपेक्ट करते हैं। और मतलब यही सब चीजें होता है जो हम लोग बता के भेजते हैं, तो बच्चे भी पहले से प्रिपेयर रहते हैं कि हाँ अगर इस कैप्टन के पास जा रहे हैं तो हमको इस तरह से आंसर देना है। सो यही रीजन है कि हमारे बच्चे इंटरव्यू, मतलब मोस्टली हमारे जितने बच्चे जाते हैं वो इंटरव्यू क्लियर करते हैं ग्रेट ईस्टर्न का। हाँ कुछ कुछ का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता, वो अलग चीज है, बट इस बार भी अगस्त बैच में 30+ बच्चे ग्रेट ईस्टर्न में गए हैं। मतलब 80 में से 30+, मतलब समझ लो करीब 40% बच्चे ग्रेट ईस्टर्न में तो हमारे हैं। और सिर्फ ग्रेट ईस्टर्न नहीं, एंग्लो ईस्टर्न में भी 35+, मतलब 25% बच्चे। एंग्लो ईस्टर्न में 160 बच्चे एडमिशन लेते हैं, जिसमें से 35+ बच्चे हमारे IMU मेट से, मतलब 25% बच्चे IMU मेट से। तो ऐसा क्यों है? और सिर्फ हमारा ही नहीं, और भी कोचिंग के भी बच्चे होते हैं। होता क्या है कि जो भी कोचिंग से प्रिपरेशन करके जा रहे हैं उनको एग्जैक्ट पता होता है कि क्या क्वेश्चन पूछा जाना है, किस तरह से पूछा जाना है।
सो वो उसी चीज पे फोकस करके जाते हैं। जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सब कुछ पढ़ रहे हैं, वो ये भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, यहाँ से भी पढ़ रहे हैं, वहां से भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। इतना पढ़ के क्या कर लोगे? जब क्वेश्चन मुश्किल से किसी भी कंपनीज के लिए 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना है और उसी में हो जाना है, तो फिर सब कुछ पढ़ने का तो जरूरत ही नहीं है। अब दूसरा चीज, बहुत बच्चे मतलब हमको भी कभी कभी हंसी आता है इस चीज को सोच के। अब मैं एक कुछ बच्चों को टेलीग्राम पे व्हाट्सएप ग्रुप पे देखते हैं, मतलब वो लोग 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, 2 साल से उनका कुछ नहीं हो रहा है, सिलेक्शन वलेक्शन कुछ नहीं हो रहा, IIMCET में भी अच्छा रैंक नहीं आ रहा है और इंटरव्यू में बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं, और वो मतलब कोचिंग कोई भी कोचिंग नहीं ज्वाइन करने का ये रीजन देते हैं कि वो फी अफोर्ड नहीं कर पा रहे कोचिंग का। मतलब 3,000 से 3,500 का फी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, बट इंटरव्यू देने के लिए जब वो जा रहे हैं तब 5 से 10 हजार रुपया खर्चा कर रहे हैं हर इंटरव्यू के लिए। जैसे अगर कोई नॉर्मल यूपी बिहार दिल्ली से भी मुंबई जाता है आता है, वहां रहने खाने का सब कुछ का खर्चा लेके 8 से 10 हजार रुपया हो जा रहा है एक इंटरव्यू देने के लिए, टेस्ट देने के लिए भी जा रहा है तो खर्चा हो रहा है। तो ये सब खर्चा करना ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट 3,000 रुपया या 3,500 का फी दे के पढ़ना, प्रिपरेशन करके क्लियर करना, ये उनके लिए मतलब लगता है कि वेस्ट ऑफ मनी है। अब वो 3,000 3,500 बचाने के चक्कर में ये हर बैच में एक हर सेशन में करीब 20 से 25 हजार रुपया खर्च कर रहे हैं, और पैसे तो छोड़ दो, ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मतलब इनको अभी टाइम का वैल्यू ही नहीं पता। टाइम का वैल्यू हम लोग से पूछो, जब हम लोग सेकेंड में दे रहे हैं, हम लोग एक एक दिन काउंट करते हैं कि अरे यार 1 दिन वेस्ट हो गया, 2 दिन वेस्ट हो गया, ऐसे। क्योंकि हम लोग को पता है कि जितना लेट सेकेंड मेट क्लियर होगा हमारा थर्ड ऑफिसर बनने में उतना लेट होगा, और हर महीने हम लोग 1 से 1.5 लाख से 2 लाख रुपए का लॉस सह रहे हैं अगर जितना लेट सेकेंड मेट क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भी अगर ये माइंडसेट करके सच चल रहे हो कि अरे 3,000 रुपये 4,000 रुपया वेस्ट करेंगे, उससे अच्छा सेल्फ प्रिपरेशन कर लेंगे, तो भाई मेरे 3-4 हजार रुपया तो तुम्हारा एक कंपनी का फॉर्म में चला जाता है। सिनर्जी का फॉर्म फिलअप करोगे 2 हजार रुपया लग जाते हैं, तुम्हारा ये क्या कहते हैं सिम्स के फॉर्म में 1.5 हजार रुपया, 2 हजार IMI के फॉर्म में, उससे कम में तो अगर प्रिपरेशन हो जा रहा है तो क्या दिक्कत है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोचिंग से पढ़ोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, सब कुछ तुम्हारे पे डिपेंड करता है। हम लोग एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ तुमको ट्रेंड करते हैं सब, बट सिलेक्शन तुम्हारे हाथ में है, ठीक है, और बस यही है। तो देखो सिंपल सा चीज है, हमारा अगर तुम IIMU में ज्वाइन करते हो सो गारंटी तो नहीं लेते हैं कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, बट इतना कह सकते हैं कि हाँ सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और एक चीज है, कभी रिग्रेट नहीं करोगे कि हाँ इतना पैसा वेस्ट हुआ। और वैसे भी 3,000 रुपये हमारा फी है जो हमारा अगला September 16 से जो बैच स्टार्ट हो रहा है, और 3,000 कोई उतना बड़ा डील नहीं है अगर मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहे हो तो, क्योंकि मर्चेंट नेवी में ऐसे ही बहुत पैसा खर्च होना है। अगर अब बहुत लोग बोलते हैं भैया हमारे लिए 3,000 रुपये भी अफोर्डेबल नहीं है, हम कैसे करें, हम नहीं कर पाएंगे मैनेज, मेरे पापा ये करते हैं, हम मतलब ये प्रॉब्लम है घर में, वो प्रॉब्लम है। तो देखो भाई, हमको भी पता है कि किसी किसी के लिए 3,000 रुपये 4,000 रुपये भी बहुत ज़्यादा होता है, बट अगर इतना नहीं कर पा रहे हो तो तुम इस फील्ड के लिए नहीं हो, क्योंकि इस फील्ड में हर कदम कदम पे इतना पैसा लगना है, इतना पैसा लगना है, उसके लिए लोन नहीं मिलता है हर चीज के लिए, ठीक है। सो अगर थोड़ा सा पैसा इंतजाम नहीं कर सकते हो तो ये फील्ड ही छोड़ दो, क्योंकि पैसे तो खर्च होंगे, अगर पैसे कमाने हैं तो खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा हम सेल्फिश होके बोल रहे हैं, बट ये फैक्चुअल फैक्चुअल चीज़ है।
क्योंकि हम भी देखे हैं बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो सब कुछ कर लेते हैं, बाद में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो फी नहीं भर पाते हैं इंस्टीट्यूट का, या फिर कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उनको सब कुछ छोड़ना पड़ जाता है। तो बेटर है अगर तुमको लगता है कि तुम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो कुछ, तो छोड़ दो, क्योंकि बहुत बुरा लगेगा अगर तुम इंटरव्यू क्लियर करके मेडिकल नहीं करवा पा रहे हो 5,000 रुपये 6,000 रुपये दे के। बहुत बुरा लगेगा जब तुम सब कुछ होने के बाद 40,000 रुपये पे करके सीट बुकिंग नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं जो तकलीफ देती हैं। तो बस वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। चलो टाटा बाय बाय टेक केयर।